1 2 3 सो हे गाइस, सो वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ब्रांड गाइडलाइन, ठीक है। तो ब्रांड गाइडलाइंस को यूज करके हम लोग एक क्रिएटिव डिज़ाइन बनाने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रांड गाइडलाइन को हम लोग कैसे क्रैक करें, या फिर उस ब्रीफ को कैसे समझ के हम लोग इसके हिसाब से डिजाइंस बनाएं। मैं रियल प्रोजेक्ट्स दे के यहाँ पे एग्जांपल दे के बताने वाला हूँ, जो कि मैंने एक कंपनी के लिए डिज़ाइंस किया था, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसने इस डिज़ाइन को अप्रूव भी किया है और कुछ फीडबैक भी दिया है, जिसको इंक्लूड करके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसका गाइडलाइंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और उसमें की पॉइंट कैसे हम लोग जल्दी जल्दी डिज़ाइंस को मतलब ब्रीफ में क्या क्या की पॉइंट रहता है, उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट टू स्टार्ट। सो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फोटोशॉप ओपन किया है डायरेक्टली, ये बिना फीडबैक विदाउट उसका डिजाइन से, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ आपको मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा डिजाइन क्या बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कटआउट थोड़ा सा कम था, इसमें भी एक फीडबैक है, ठीक है। फर्स्ट अब डिजाइन है, ये डिजाइन जबकि मेरा हिसाब से मैंने गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाया है। इसमें भी फीडबैक से पहले हम लोग गाइडलाइंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर जो मैंने फाइनल डिज़ाइन बनाया है उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा ब्रांड गाइडलाइंस, ठीक है। तो कंपनी का नाम नहीं ले सकता, ठीक है। तो एक देख सकते कॉरपोरेट लाइन, मतलब एक तरह से हम लोग को क्या होता है, आपको एक गाइडलाइंस दिया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा उतना इमेज में नहीं जाने वाला, ये इमेज को मैंने डाउनलोड करके कटआउट करके डाला था यहाँ पे, ये रीड करके मैं बोर नहीं करने वाला हूँ पूरा गाइडलाइंस, ठीक है। हम लोग को मेन पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, लोगो, टेक्स्ट, कलर एंड शेप। शेप यहाँ से क्यों, मैं ये पेज में क्यों हूँ पता है, यहाँ पे एक शेप यूज हुआ है जिसका थीम लेके हम लोग डिजाइन में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं लोगो, इसके बाद आता है लोगो, देख सकते हैं यहाँ पे लोगो में ग्रेडियंट यूज हुआ है, मतलब हम लोग ग्रेडियंट के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अभी देख सकते हैं यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। क्रिएटिविटी शॉर्टकट नहीं है, एक करने के बाद आता है, ठीक है। दूसरे पेज में जाते हैं, अभी यहाँ पे आपको पता है लोगों को हम लोग टेक्स्ट के साथ कैसे रिप्लेस करते हैं और कहाँ कहाँ पे रिप्लेस करना है, कितना हम लोग को हाइट वेट रखना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे 30 पिक्सल विथ एंड हाइट्स इतना बोल रखा है, बट डिपेंड ऑन कैनवस साइज ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे दूसरे पेज में जाते हैं, देख सकते हैं कैसे प्लेस करना है, आपको कौन सा कलर पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब व्हाइट लोगो भी बना सकते हैं या फिर ब्लैक पूरा बना सकते हैं, लेकिन ब्लैक नहीं दिखाया है यहाँ पे। तो एक की पॉइंट में यहाँ पे भी मेरा एज अ क्रिएटिव डिजाइनर मैं भी ऐड कर सकता हूँ, ब्लैक भी यूज कर सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कैसे यूज करके दिखाया, कैसा देखेगा बोल के। और यहाँ पे आप 80% कैन यूज ओपासिटी बोल रखा है, देखो एडिशनल दैट पेन, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिखा रहा है एडिशनल द पेन व्हाइट प्लेन, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है एडिशनली द प्लान व्हाइट लोगो दैट विथ बैकग्राउंड ओपासिटी इधर सेट ऑफ 100 or 80 कैन बी ऑल्सो यूज, 80% तक यूज कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ लोगों को प्लेसमेंट करने से पहले हम लोग को कलर थीम का बारे समझना है, क्योंकि देखो लोगों में जो कलर होता है वो कलर हम लोग कभी बैकग्राउंड में यूज़ नहीं करना, क्योंकि लोगों का वैल्यू ही ऐड नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि हायरार्की सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ के रख लेना है। और अब जाएंगे थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये सेम चीज़ है अलाइनमेंट्स, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कहाँ पे प्लेस करना है और इमेज के साथ कैसे प्लेस करना है और रेक्टेंगल शेप के साथ कैसे प्लेस करना है, एक ही पॉइंट है। देख सकते हो मिसलीडिंग नहीं करना है लोगों को, ठीक है। टाइपोग्राफी को भी मिसलीडिंग नहीं करना है, इधर उधर मोड़ना थिचड़ना नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो ये सब कर सकते हो, बट डिपेंड ऑन कि रिक्वायरमेंट क्या है। देख सकते हो स्किल्स न्यू विथ बॉर्डर बोल रखा है, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं अब टाइपोग्राफी पे, ठीक है। टाइपोग्राफी पे यहाँ पे ओनली क्या यूज हुआ है आप बताइए, कमेंट में बताइए, थोड़ा सा 5 सेकंड का पॉज कर रहा हूँ। अगर आपने सेंस सेरिफ लिखा है तो ठीक है, सेरिफ फॉन्ट यूज ही हुआ ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मॉडर्न लुक देना चाह रहा है पता है ये ब्रांड,
ये ब्रांड पूरा मॉडर्न लुक देना चाह रहा है, इसके लिए सेंस सेरिफ यूज नहीं हुआ है, सॉरी सेरिफ फॉन्ट यूज नहीं हुआ है, सेरिफ फॉन्ट यूज नहीं हुआ है, सेंस सेरिफ मतलब मॉडर्न टच दे रहा है। जो सेंस सेरिफ फॉन्ट है ना वो सभी मॉडर्न फॉन्ट में आता है और कस्टम फॉन्ट में भी आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है सेफ रहता है, ठीक है। जैसा कि ए हो गया, यहाँ पे देख सकते ए और ओ का बीच में सर्कल रहता है, ठीक है, और टी में भी सेफ रहता है, आई में भी सेफ रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइट, मीडियम, बोल्ड, हैवी, इसमें प्ले कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाते देख सकते पैराग्राफ कैसे लिखना है 31 पे, और बोल्ड फिगर में कैसे लिखना है हेडर पे 36, ए दिखा रहा है, ए ब्रांड गाइडलाइन। और कलर पे आ जाइए, अभी इन लोग का कलर क्या है देख सकते हैं, डिजाइन बनाने के टाइम पे मैं बोलता हूँ कैसे मैंने चूज किया, कलर ए है। लेकिन ऐसा है देखिए, क्रिएटिविटी क्रिएटिव डिजाइन बनाने के टाइम पे आप गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तब तक फॉलो करना जब आप न्यू डिजाइन बना रहे हो, तब उसको फॉलो करना है। जब आपको पता चल जाएगा कि ए कलर यहाँ पे रहता है, ए कलर, या फिर प्रीसेट बना के सेव कर सकते हैं, या फिर कोड बना के सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये था कलर। अभी नीचे जाएंगे कौन सा कलर यूज कर सकते हैं, कहाँ तक यूज कर सकते हैं, ए, ठीक है। तो आइकॉन्स में भी हो सकता है, एलिमेंट्स में हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट ऑलवेज कोई सा भी ब्रांड में यूज होता है, लेकिन उन लोग का आइकॉन्स के लिए भी ब्लू यूज कर सकते हैं, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू और रेड, और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन, सॉफ्ट ग्रीन है कि नहीं, सियान कलर में यूज कर सकते। ये था फंडामेंटल, देख सकते टेक्स्ट कैसे यूज करना है, ऐसा टेक्स्ट में नहीं यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है देख सकते, ये जो यहाँ पे है ना, पेंसिल में आता हूँ, और ये चीज़ यहाँ का जो तीन दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरीके से लिखना नहीं है, क्योंकि ये बैकग्राउंड के साथ पूरा ब्लेंड हो रहा है और कुछ रीडेबिलिटी नहीं है इसमें, देख सकते कैसे पॉप हो रहा है टेक्स्ट, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे नहीं है, 17 पेज है इतना ही। तो इसका हिसाब से मैंने बोल दिया की पॉइंट क्या रहता है, फर्स्ट लोगों को कैसे यूज करना है, ठीक है, ब्रीफ में से लोगों को कैसे यूज करना है, लोगों को कैसे यूज करना है, टाइपोग्राफी कैसे यूज करना है, टाइपोग्राफी को कैसे यूज करना है, ठीक है। टाइपोग्राफी में हम लोग साइज क्या रखेंगे, बोल्ड कैसे यूज करेंगे, और उसका हेडर कैसा रखेंगे, और बॉडी टेक्स्ट कैसा रखेंगे, ठीक है, वो समझना है। और कलर को आपको ऑलवेज फॉलो करना है, जिससे कि कलर से ही आपका डिजाइन कंप्लीट होता है। अदरवाइज जो हम लोग ब्रांड के लिए डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, दूसरे ब्रांड का जैसा दिख जाएगा। तो अब देखते हैं डिजाइंस का एग्जांपल, मैंने क्या क्या कैसे किया। अगर आपको सिंपली कलर कलर थ्योरी नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, सीधा लोगों से कलर सैंपल लेके यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरा सैंपलिंग मैंने कलर से लिए, आईपी कर टूल लेके यहाँ से ऐसा पिक करके यहाँ से कलर ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फोटोशॉप। अब ये था ओल्ड डिजाइन। अभी इस डिजाइंस को मैंने क्या 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 कॉन्सेप्ट से बनाया, एक फ़ोटो लिया है, ठीक है, एक फ़ोटो हो गया जो कि उसी असाइनमेंट मतलब जहाँ पे ब्रीफ था वहीं से निकाला है, और एक कंटेंट सेम था जो रीडिजाइन करने के लिए, तो इसको भी मैंने यहाँ पे डाला है। इसको थोड़ा सा मे बी मैं इसमें और चेंजेस कर सकता था, क्योंकि इसको लाइट कर सकता था, इसको बोल्ड कर सकता था, ठीक है। तो मैं इतना प्ले कर रहा हूँ कि जितना तक गाइडलाइंस में लिखा हुआ था, और मे बी क्योंकि टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे 14 रखा है मैंने, उसने फ्रीडम दिया है कि 21 तक रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब देखते हैं, ठीक है, ये था मेरा डिजाइंस। अब फीडबैक के बाद मैंने क्या इम्प्रूव किया है डिजाइंस में वो देखते हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स को मैं लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को रियल प्रोजेक्ट दिखाऊंगा तभी पता चलेगा कि डिजाइंस कैसे कंप्लीट होता है और कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो ओपन करता हूँ, ठीक है, ये जेपैक है, तो इसको देखिए। अब आपको पता चलेगा ये यहाँ पे मतलब इसको भी यहाँ पे लेके आ जाता हूँ साइड पे, इसको थोड़ा सा ओके, तो यहाँ पे और इसका डिजाइंस, ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू पे लेके आता हूँ, ठीक है, ये यहाँ चला गया, यहाँ पे डेस्कटॉप असाइनमेंट एंड इसके पास, ठीक है। तो ये डिजाइंस है हमारा जो कि अप्रूव हुआ है। तो एक मिनट, इसका मैं एक और आर्ट बुक ले लेता हूँ, तो ये रहा हमारा डिजाइंस, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है पता है आपको, समझ में आ रहा है कुछ, मैं इसका ब्लैक कर देता हूँ तब आपको दिखाई देगा क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं बोल के। अब देख सकते हैं डिजाइंस बनाने से पहले हम लोग को
ठीक है अपना हिसाब से बनाइए, उसके बाद जब फीडबैक आता है ना उसको इम्प्लीमेंट कर ही दीजिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं फीडबैक देना। देख सकते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट, उसने बोला शेप को हम लोग को इमेज का आगे नहीं दिखाना है, क्योंकि हम लोग को एक्सप्रेशन भी दिखाना है, जैसे हेयर आ गया यहाँ पे, स्माइली फेस यहाँ पे, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट जा रहा था। तो इसी हिसाब से और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शेप्स को यहाँ पे डाला है, और ये जो लोगो मतलब वेबसाइट था वेबसाइट को थोड़ा नीचे डाला है, क्योंकि इसमें रीडेबिलिटी नहीं आ रहा था। अगर कोई शेप के साथ हम लोग अलाइन करेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। और इसमें से भी एक घटिया मैंने डिज़ाइन बनाया, मैं बोलता हूँ घटिया बैड वुड डिज़ाइन बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग को बताना है कि क्या होता है, ब्रीफ के हिसाब से मैंने बनाया है। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे मैं जाता हूँ आपको बताता हूँ ग्रेडियंट पे, ठीक है, ये रहा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या मिसलीडिंग क्या था यहाँ पे देख सकते हैं, अभी दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे मिसलीडिंग क्या किया था पता है। अभी एक मिनट, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जाते हैं ना टेक्स्ट पे, लास्ट पेज पे था ऐसा ऐसा लुक हम लोगों ने यहाँ पे इस डिज़ाइन पे डाल दिया, क्योंकि रीडेबिलिटी भी नहीं है और अलाइनमेंट्स भी नहीं है, ठीक है, इसमें इसीलिए ये डिज़ाइन रिजेक्ट हो गया और दूसरा डिज़ाइन अप्रूव हो गया। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा ब्रीफ कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है, उसका हिसाब से। और फॉन्ट टाइपोग्राफी आपका हिसाब से चूज कर सकते हैं, या फिर उन लोग का पास ऑलरेडी जैसा कि टाइपोग्राफी टाइप टाइप फेसेस टाइप फैमिली रहता है तो ईजी हो जाता है। आई होप आज के इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ब्रांडिंग के बारे में और जानना है तो अगले वीडियो में मिलेंगे, और इस वीडियो से आपने क्या सीखा है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नीचे वीडियो में।